गया, कोई व्यवस्था कहीं से नहीं। तो यहाँ से कैसे निकले जो 7 बजे, 7 बजे शाम को एक यहाँ मैसुमा पीछे है, वहाँ पर यासीन मलिक क्या है मुझसे उससे मतलब नहीं, इंसान है, दाढ़ी छोटी छोटी, आंख थोड़ी दबी हुई है, यासीन मलिक जी आए, उन्होंने पीला चावल पैकेट में फेंका, बाल्टी हमने डाला ऊपर से, नाव पर थे वो, उन्होंने डाला पीला चावल। जब उनको लगा कि यहाँ पर 150 आदमी है, उन्होंने फिर 7 बजे वापस गए और 9 बजे वापस फिर आए, और लेकर 9 बजे 150 आदमी का पीला चावल बना के लेकर आए 9 बजे रात को, 20 बोतल पानी, बिस्किट, दवाई, मतलब कुछ भी उन्होंने कमी नहीं किया। ये छोड़ा, 9 तारीख हो गया सुबह, 9 तारीख को 12 बजे 1 क्विंटल, कोई भी, इतना पूरा विश्व में मीडिया का प्रचार है कि राहत सामग्री दी जा रही है, कोई राहत सामग्री यहाँ नहीं आई। लाल चौक में हम सब ऊपर देखते देखते थक गए, हेलीकॉप्टर 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 घूम रहा, एक पैकेट कोई माचिस का नहीं गिराया कि नीचे माचिस का पैकेट यहाँ गिरा हो। यासीन मलिक 50-50 किलो की 2 बोरी, हमारी 2 बिल्डिंग है, एक इधर 40 कमरे, इधर डोरमेट्री है, 50-50 किलो आटा, 15 लीटर तेल, चीनी, चाय पत्ती, पानी, दवाई, बिस्किट, हर आइटम वो 12 बजे खुद ला करके दे करके चले गए। उसके बाद दूसरी कोई तंजीम आई मुस्लिम की, वो हमको खाने पीने की व्यवस्था, दूध, चाय पत्ती, दवाई, अब हमारे पास इस समय नहीं है। मैंने कल भी ये बोला था कि हमारे बच्चे को फिश का एक झटका बीमारी है, वो 3 साल का कोर्स था, एक फीजी सीगार्ड, सीज गार्ड दवाई है, उसके लिए हम इतना परेशान थे कि पूछिए मत। ये था कि अगर ये खत्म हो गई तो फिर उसका 3 साल का कोर्स खत्म हो जाएगा। हमने यासीन मलिक जी से बोला, वो कहीं से जा करके एक टेबलेट एक पत्ता ला करके हमको दिया। कल तक भी हमारे एक मेंबर कमल नयन धोन जो सनातन धर्म के मेंबर हैं, वो पानी में छाती के बराबर पानी में आ करके उन्होंने यहाँ हालचाल पूछा। बाकी कोई भी सरकार, हमको सबसे बड़ा दुख है, किसी नाम नहीं लेंगे, अमर अम्बा मोदी जी, कोई भी राज्यपाल, 100 करोड़ रुपए हमारे अपने सनातन धर्म प्रताप सभा और साइन बोर्ड का, यात्री निवास जम्मू वैष्णो माता का रुपए की कमी नहीं है, लेकिन किसी ने वहां से एक बार मदद नहीं भेजा कि जम्मू कश्मीर में कितने हिंदू फंसे हैं। और सबसे बड़ा टारगेट यह है कि पूरे जम्मू कश्मीर का मेन जो दिल है वो लाल चौक घंटाघर, पहले घंटाघर पर राहत पहुंचाना था, पूरे होटल में यात्री फंसे थे, सब हिंदू थे, कोई मुस्लिम नहीं था, सब हिंदू हमारे थे, उनके लिए किसी ने हिंदू समाज के सनातन धर्म के ठेकेदारों ने नहीं सोचा। हम यूपी से हैं, यूपी भदरसा एक बाजार है मुस्लिमों के एरिया, वहां मैं कल भी ये बताया था, आज भी हमारे यहाँ मुस्लिम के हाथ का पानी नहीं पिया जाता है, आज भी हम उस जगह से हैं, पंडित हैं, हमारे यहाँ आज भी है कि अगर मुस्लिम छू लेता है तो पंडित जी, हमारी माता जी भी ऊपर हैं, साधु हैं, वो पानी नहीं पियेंगे। और 10-12-13 दिन हो गया मैं मुस्लिम के ही घर का खाना खा रहा हूँ, हमारे सनातन धर्म के जो ठेकेदार हैं वो कहाँ हैं कि मेरा एक हिंदू 160 आदमी लेकर के फंसा है, क्या खाएगा, कहाँ से खाएगा, कैसे खाएगा।